दोस्तों, मौजूदा वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर हिंदुस्तान के, जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर, अब उस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई के लिए अब बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई और भारत सरकार 500 करोड़ रुपये दे, नहीं तो फिर गुजरात के अहमदाबाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के नाम से स्टेडियम है उसको उड़ाने की धमकी दे जा रही है। तो कौन है ये लोग जिन्होंने अब लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई के लिए अब गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी है? मुंबई पुलिस को अब इस पूरे मामले में सूचना दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये मेल आया है, क्या हो रहा है इस केस में और लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई क्यों अब अलकायदा वाले स्टाइल में मांगा जा रहा है, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें बिल्कुल ही अलग अंदाज में, और हर खबरों का अपडेट भी बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसी गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। दरअसल मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसको धमाके से उड़ाने की वार्निंग दी गई है। दरअसल गुरुवार रात को इस ईमेल के जरिए सेंडर ने इसके बदले भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए का डिमांड की है। साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की मांग की जा रही है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली की मंडोरी जेल में, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का कई मैच होना है। ईमेल में ये भी कहा गया है कि आतंकी गुट ने हमलों को अंजाम देने के लिए पहले से ही अपने लोग वहां पर उतार दिए हैं गुजरात में, और अब पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये धमकी भरा जो मेल है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को भेजा गया था, जिसकी सूचना उसने सबसे पहले मुंबई पुलिस को दी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मेल यूरोप से आया। पुलिस अधिकारी ने ये कहा इस मामले में कि NIA से हमें एक ईमेल मिला, इसमें सभी संबंधित एजेंसियों को इस मामले में सतर्क किया गया है। ईमेल ID जो भेजी गई वो भी मिली है, जिससे NIA को ईमेल किया गया था, और उसका जो है पता लगाया जा रहा है कि कहां से ये मेल आया है। जो शुरुआती जांच पड़ताल की गई है तो मालूम चला कि ये यूरोप से आया है। पुलिस अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि मेल में दी गई धमकी हो सकता है कि फर्जी भी हो, क्योंकि ये विदेश में बैठे किसी व्यक्ति की शरारत हो सकती है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। हालांकि सभी क्रिकेट मैचों की सुरक्षा की समीक्षा भी की जाएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ती है तो सिक्योरिटी अब बढ़ाई जा सकती है। धमकी भरे मेल में कहा गया है कि अगर भारत सरकार हमें 500 करोड़ रुपए देने और लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने में विफल रहती है तो हम नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के स्टेडियम को उड़ा देंगे। अब ये बहुत बड़ी खबर है। हिंदुस्तान में तो ये भी लिखा गया कि हिंदुस्तान में कुछ भी बिकता और हमने कुछ सब कुछ खरीदा है, तुम कितना भी सुरक्षित रहो मगर हमसे बच नहीं पाओगे, अगर कोई बात करना चाहते हो तो इसी ईमेल पे करो, ये लिखा गया है। अब देखिए, गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकी गुरुवंत सिंह पन्नू भी विश्व कप मैचों पर हमले की धमकी पहले भी दे चुके हैं। पन्नू के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज है, उसने 3 हफ्ते पहले ही जो निज्जर की जो हत्या है उसका बदला लेने की धमकी दी थी। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR में ये कहा है कि पन्नू ने किसी विदेशी नंबर से पहले से रिकॉर्ड किए गए मैसेज के जरिए देश के लोगों को धमकी दी। साइबर जो ब्रांच है, क्राइम ब्रांच है, उसके निरीक्षक HN प्रजापति कर रहे हैं, जिनकी ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि संज्ञान में यह आया कि कई लोगों को एक फ़ोन नंबर है, जो फ़ोन नंबर फ्लैश किया गया उससे पहले रिकॉर्ड जो किया गया धमकी भरा मेल, जिन जिन लोगों को ये संदेश मिला था उनमें से कई लोगों ने अलग अलग माध्यमों के जरिए पुलिस को इस पर शिकायत की थी। मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता जब फ़ोन उठाते थे उसके बाद बजने वाले फ़ोन बजने से पहले रिकॉर्ड किए गए मैसेज में यही कहा जाता था कि 5 अक्टूबर को क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत नहीं होगी बल्कि विश्व आतंक कप की शुरुआत होगी, सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी झंडों के साथ अहमदाबाद में धावा बोलने जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन देखिए, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जाँच कर रही है कि आखिर ये जो धमकी भरा मेल आया है और इस मेल का लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या ताल्लुकात है, और बहुत कम गुंजाइश इस बात की भी है कि किसी मुँह ने या फिर किसी गैंग ने ये मेल किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मेल आ चुके हैं और बाकायदा वो मेल कहीं ना कहीं फर्जी भी निकलते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए की डिमांड और लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई, ऐसा मेल में लिखकर जो ईमेल सेंडर है वो क्या साबित करना चाहता है, और भारत के बारे में जिस तरह से वो लिख रहा है मेल में कि भारत में सब कुछ बिकता है, तो ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है। फिलहाल एजेंसियाँ अलर्ट हो चुकी हैं, वर्ल्ड कप मैच शुरू भी हो चुका है,
और जो खालिस्तानी आतंकी पन्नू है, ऐसे पन्नू और जितने भी लोग हैं लगातार इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जो क्रिकेट विश्व कप मैच हो रहा है वहाँ पर सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखना बड़ा अहम होगा। आप देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।